अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। प्रतिष्ठा परमात्मा की करनी है, जो पहले नहीं करते थे। दूसरी बात, प्रतिष्ठा क्या करनी है? पहले मन वचन काया मैं था, मन वचन काया को चलाने वाला मैं था, मन वचन काया से भुगतान करने वाला मैं था। यह ज्ञान निकल गया, अभी मन वचन काया को बनाने वाला कुदरत है, चलाने वाला कुदरत है और भुगतान करवाने वाला कुदरत है। और मैं मन वचन काया और उनकी सभी अवस्थाओं से मुक्त सा शुद्ध आत्मा, तो बस यही विजन रखना है। तो अगर मैं चलाने वाला नहीं हूँ तो कौन चलाने वाला है? कुदरत चलाती है। बस तो यहाँ विजन की तो बात है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ फिजिकल क्रिया की बात नहीं है, यहाँ दृष्टि की। जैसी दृष्टि वैसी, तो दृष्टि में प्रतिष्ठा अगर सही होगी तो आपकी सृष्टि भी सही होगी। अगर मेरी प्रतिष्ठा में होगी कि आपने किया मैंने किया, तो राग द्वेष संभव है कि नहीं? अगर मेरी दृष्टि में होगा कि ये कुदरती रचना है या तो व्यवस्थित शक्ति के माध्यम से हुआ है, तो राग द्वेष होगा? तो आखिर डिफरेंस कहाँ होता है? दृष्टि में। आप समझे ना? तो दृष्टि ही पुरुषार्थ है, तो व्यवस्थित शक्ति के अंदर ये दृष्टि है। अरे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर ये दृष्टि है। प्रतिष्ठित आत्मा जैसी प्रतिष्ठा करता है वैसा उसको अनुभव होता है। अगर प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान के वश कहेगा कि ये मेरी वाइफ है, तो उसको अनुभव क्या होगा? वाइफ का होगा। अगर पश्चात में ऐसा कहता है कि व्यवहार से तो वाइफ है फाइल नंबर एक की, पर वास्तव में वो शुद्ध, तो अनुभव क्या होगा? शुद्ध आत्मा। तो बात तो एक ही है ना, प्रतिष्ठा करने वाला जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा उसका अनुभव होगा। अगर व्यवहार सत्य का प्रतिष्ठा करेगा तो अनुभव कैसा होगा? अगर सनातन सत्य की प्रतिष्ठा करेगा तो क्या अनुभव होगा? तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है आप खुद अभी वास्तव में जो देख रहे हैं इसको कैसे देखते हो, इसको किस प्रकार से प्रतिष्ठा करते हो, वही एक क्षण का आपका अनुभव है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब सिर्फ एक मान्यता ही है ना स्वामी जी? प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है आज की आपकी लाइव मान्यता, लाइव ईगो। क्या बताया? डिस्चार्ज नहीं मगर लाइव, जो आज इस क्षण आप फील कर रहे हो, जो डिस्चार्ज अहंकार है वो मैकेनिकल है, वो सिर्फ परिणाम की भुगतान का साधन है, मगर लाइव युगो है वो पुरुषार्थ करता है। तो लाइव युगो में जैसी दृष्टि है वही वैसी प्रतिष्ठा है और वैसा ही आपका पुरुषार्थ है। स्वामी जी, ये दादा भगवान के साहित्य में पढ़ने आता है, पढ़ने को कि दादा भगवान को जो आवरण हटे थे शुद्धात्मा के ऊपर से, तो उनकी जो डिग्री थी 356 के, तो इसका क्या पैमाना है? हमें कैसे डिसाइड करेंगे अपने बारे में या सामने वाले के बारे में कि इनका जो आवरण हटा है वो किस डिग्री पर है? हमको वो किसका हटा है, किसका कितना हटा है, वो देखने की जरूरत है नहीं, नहीं, और इसको पुरुषार्थ बताते भी नहीं है जी। सिंपल बात है, थर्मोमीटर ताव नाप सकता है, ताव का अनुभव नहीं कर सकता है। यस और नो? यस। बस जी। अनुभव करने का काम वो तो जीवित है वो कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता। तो नापना हमारा काम नहीं। मगर हम अपने आप को समझ सकते हैं जी, कि आखिर मेरे अंदर कौन सा ज्ञान अभी प्रवर्तमान है, और जो ज्ञान प्रवर्तमान है वो ही मेरी दृष्टि है जी। तो दादा भगवान को ज्ञान हुआ 1958 में जी, वो उनका पुरुषार्थ था या उदय कर्म था? उदय कर्म था। तो उदय कर्म से जो हुआ वो पुरुषार्थ नहीं है। तो आज हमारा भी जो डेवलपमेंट लेके आए हैं जी, वो परिणाम है जी। मगर ये दृष्टि मिलने के बाद, वो भी दृष्टि मिलना वो उदय कर्म है, मगर वो दृष्टि मिलने के बाद वो दृष्टि का आप जितना उपयोग करोगे
जी, इतना आपकी दृष्टि परिपक्व होगी यानी डेवलप होगी जी, और डेवलप वाली दृष्टि है वो पुरुषार्थ में आपको और आगे ले जाएंगे जी। आपका जो स्टैंडर्ड है पुरुषार्थ करने का वो हाई लेवल का होगा, आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, बड़ी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो पुरुषार्थ का माध्यम है वो व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। अगर व्यक्ति सिमंद स्वामी खुद ज्ञान देंगे जी, मगर वही ज्ञान को हम उपयोग नहीं करेंगे जी, तो हम वहां के वहां ही रहेंगे जी। प्रश्न मिलना वो परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है, मगर जो मिला है इसका उपयोग क्या करेंगे जी, वो हमारा पुरुषार्थ है। अगर वो जो मिला है इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बस जी, हम क्या करते हैं, मिलने का आनंद ले लेते हैं कि मेरे को ज्ञान मिल गया, मेरे को ज्ञानी मिल गया जी। मगर मिल गया ये आपका पुरुषार्थ है या परिणाम है? परिणाम। तो उसका आनंद मत लो जी, जो मिला हुआ है इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो जी, अनुभव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो जी, उपयोग करने की कोशिश करोगे तभी आपका डेवलपमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। सिर्फ मिलने से नहीं बढ़ेगा जी। तो ये मान्यता हो जाती है, क्या हो जाती है, मान्यता है। और ये मान्यता हजारों लोगों की है, मिला उसका आनंद क्या बताया, मिलने का। हम दादा भगवान के साथ 12 साल रहे बचपन से जी। उसका मतलब ये नहीं है कि हमको मिला उसका आनंद है जी। हम उनके साथ बैठते थे, सत्संग सुनते थे, तभी हमारा दृष्टिकोण यही था आखिर वो जो बात कर रहे हैं उसमें साइंस क्या है, सनातन सत्य क्या है, सिद्धांत क्या है, वो ही समझने का हमने पूरी लाइफ में कोशिश किया है जी। और आज वही सिद्धांतों को हम पेश करते हैं जी। आप समझे ना जी। तो कहने का मतलब यह है हमारी दृष्टि के आधार से हमको ज्ञान का अनुभव होता है, मन वचन काय की क्रिया के आधार से ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। समझ में आया जी? समझ में आ गया। ऐसा हमने सुना है कि ज्ञान लेने के बाद में कर्मचार नए कर्मचार नहीं होते हैं, वो कहां तक सही है, उसको थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। ज्ञान लेने के बाद नया कर्म चार्ज नहीं होता है, ये बात श्रद्धा की हो सकती है, सिद्धांत की नहीं हो सकती है, श्रद्धा की हो सकती है। कर्म तो चार्ज होंगे ही, लास्ट बर्थ में ही कर्म चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि आपका जन्म होने वाला नहीं है, मगर उसके अगले अवतार भी आपका कर्म चार्ज होगा। तो कर्म चार्ज होना या ना होना ये हमारी मान्यता नहीं है। जहाँ तक अज्ञान हमारे अंदर है वहां तक कर्मचार्ज होगा ही, अगर आप नहीं मानोगे तो भी, क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर चलता नहीं है। अगर कोई मुसलमान कहेगा कि मेरा तो कर्म नहीं बनेगा क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ, तो उसका कर्म नहीं बनेगा ना? बनेगा। क्रिश्चियन कहते थे मैं तो पुनर्जन्म नहीं मानता हूँ, तो उसका नहीं होगा ना? क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर चलेगा नहीं। वो तो सिद्धांत है, वो अपने आप काम करेगा, सबके लिए इक्वल काम करेगा। तो मैं कहूंगा कि मैंने ज्ञान लिया है इसलिए मेरे कर्मचार नहीं होंगे, ये तो मेरी मान्यता है, ये सनातन सत्य थोड़ी है। तो सनातन सत्य क्या है, जब तक अज्ञान है वहां तक पुरुषार्थ है और वहां तक कर्मबंध है। जब अज्ञान चला गया तो पुरुषार्थ भी नहीं है, तो बाद में कर्मचार्ज नहीं होते। तो ये बात समझना है, उसमें कहां से ज्ञान लिया, किससे ज्ञान लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अज्ञान खत्म हुआ नहीं हुआ, बस तो कर्मचार्ज होंगे। फिर महावीर से लिया, सिमंदर स्वामी लिया, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? सनातन सत्य है कि अज्ञान है तो कर्म बनेगा। तो सिद्धांत को समझोगे तो बात समझ में आएगी, श्रद्धा पे ले जाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी धर्म है वो यही कहते हैं ना कि आप राम की भक्ति करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, कृष्ण की माला जपोगे तो आपको मुक्ति मिल वैकुंठ मिल जाएगा, है ना। हर व्यक्तियों की मान्यता अलग अलग होती है। ये
सांप्रदायिक बात है, ये सनातन सत्य है? नहीं। सनातन सत्य सबके लिए क्या होता है कि जहां तक अज्ञान है वहां तक कर्मचार होंगे, फिर आप किसको मानते हैं वो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। अज्ञान है तो कर्म बनेगा, आप श्रीमंत स्वामी को मानते हैं अज्ञान है तो कर्म बनेगा, किसको मानते वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो व्यवहार सत्य है, क्या है? तो अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको देखो मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। वो एक ही रास्ता है कि आपके अंदर जो रॉन्ग बिलीफ रूप में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में जो अज्ञान पड़ा है उसी को आपको काटना है, और वो अज्ञान को विज्ञान से काटना है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो फिर रिलेटिव सत्य हो गया, विज्ञान का मतलब होता है तो सनातन सत्य से अज्ञान को काटना है। वो ही हमारा आज का अध्यात्म मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का आगे बढ़ने का उपाय है। तो जितना अज्ञान अंदर पड़ा है इसको हम डिमोलिश करेंगे, यही हमारी प्रगति है या तो पुरुषार्थ है। अगर हम कहेंगे कि हमारे अंदर तो अज्ञान है, फिर कहेंगे हम तो कर्मचार नहीं करेंगे, तो ये आपकी मालिकी थोड़ी है। आप मानना चाहते हैं तो कुछ भी मान सकते हैं, मानने से कोई मतलब नहीं है, मगर सिद्धांत तो सिद्धांत है ना, आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। और दादा भगवान ने खुद ही अपनी जबान से कहा है, लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान 1987 उन्होंने खुद ने कहा है कि ये बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला, क्योंकि प्रश्न करने वाले ही नहीं थे। और हम जब किताब पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, सब कुछ विज्ञान इसमें आ गया, अभी दादा भगवान गलत है या तो हम गलत हैं, दोनों में से एक तो गलत है। दादा भगवान ने कहा कि बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला, जो खुद ने बोला है वो बोलता है, और हम मानते हैं कि ये सब कुछ आ गया इसमें, आप समझे कि नहीं। तो आखिर एक बार तो आपको बात को स्वीकार करना पड़ेगा ना कि उनके पास विज्ञान था या नहीं, वो प्रश्न नहीं है, मगर कितना निकला, क्योंकि हम उस बेस पर आगे जाना चाहते हैं। तो जो निकला है उसी को हम अगर संपूर्ण मानेंगे तो गलती किसकी होगी, उसका मतलब ये नहीं कहते हम कि उनके पास नहीं था ना, निकला नहीं तो क्या करेंगे। ये संजोग अधीन है, क्या है संजोग, कृष्ण भगवान की गीता निकली वो संजोग अधीन था या कृष्ण भगवान की स्वतंत्रता थी, संजोग। अगर पूछने वाला नहीं होता तो किताब ही नहीं निकलेगी, राम की गीता नहीं निकली क्योंकि पूछने वाला नहीं था, वो कैपेबल नहीं था, वो तो प्रश्न नहीं, मगर पूछने वाला नहीं हो तो कैसे निकलेगा ज्ञान। ऐसे दादा भगवान को जो लोग मिले हैं वो ज्यादातर सामाजिक प्रश्न करते रहे और दूसरा प्रश्न करते रहे, तो क्रिया कैसे करना, जैसे आज्ञा का पालन कैसे करना, चरण विधि कैसे करना, सामायिक प्रतिक्रमण कैसे करना, आप समझे, नमस्कार विधि कैसे करना, कीर्तन भक्ति कैसे करना, आरती कैसे करना, ये क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का प्रश्न किया और बाद में सोशल प्रश्न किया। आध्यात्मिक प्रश्न उसके अंदर 5 या 10% भी नहीं है आउट ऑफ 100%, क्योंकि लोगों को ही इंटरेस्ट नहीं था। क्या बताया, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था तो क्या करोगे। तो इसीलिए यही विज्ञान को हमको आगे समझना पड़े, बिना सोचे समझे हम भ्रांति से जिएंगे तो आगे जाके वही हाल होगा जो पहले हुआ था। फिर 50 साल 17 80 साल हो गया फिर मालूम होगा, अरे भाई इतना सारा मेहनत किया आखिर हमने क्या पाया, आप समझे। तो इसीलिए आगे बढ़ने के लिए आज नहीं तो कल आपको ये सैद्धांतिक ज्ञान, साइंटिफिक विजन आपका क्रिएट करना पड़ेगा। और साइंस वहां होता है जहां साइंटिस्ट होता है, क्या बताया, साइंटिस्ट। साइंस के टीचर होता है वहां साइंस नहीं होता है, नहीं समझ में आया, साइंस के टीचर होते हैं वहां साइंस नहीं है, साइंटिस्ट है वहां साइंस है।
साइंस का टीचर तो सिलेबस के मुताबिक पढ़ाता है क्योंकि उसके पास सिलेबस का ज्ञान है, खुद का अनुभव तो उसको साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट इसको कहेंगे जिसको खुद को अनुभव है और वो अपना अनुभव बताते हैं तो वो साइंटिस्ट है, वो प्रैक्टिकल है और उसकी बात इफेक्टिव भी है। आप समझे ना? तो सिंपल बात है, तो साइंटिस्ट होते हैं तभी साइंस खुला होता है। साइंस के टीचर होंगे तो साइंस नहीं खुला होगा, आप समझे ना? वो क्या खुला होगा? किताबों में लिखा है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो राम ने जो भी बात कही ज्ञान के रूप में वो किताबों में से पढ़ के कही, कृष्ण ने जो भी किताब में बात कही वो पढ़ के कही, महावीर ने जो कुछ भी कहा किताबों में पढ़ के कहा, दादा भगवान ने किताबों में पढ़ के बताया नहीं। तो कोई भी अनुभवी पुरुष पढ़ के बताता है क्योंकि वो साइंटिस्ट है, तो अनुभव करके बताएंगे, वे किताबों में क्या लिखा है वो नहीं बताएंगे। अगर 24 तीर्थंकर को कहोगे तो 24 तीर्थंकर ने एक दूसरे तीर्थंकर की बात नहीं कहा, सबने अपना अनुभव पेश किया है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट है। अगर जब मैं साइंटिस्ट नहीं हूं तो मेरे पास किताबों का ज्ञान बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं साइंटिस्ट हूं, हो सकता है साइंटिस्ट की किताब पढ़ता हूं तो साइंस का टीचर हो सकता हूं, मगर साइंटिस्ट नहीं है। और साइंस का टीचर जो लिखा है वो बता सकते हैं, मगर हम उस ज्ञान से अनुभव की ओर आगे नहीं जा सकते क्योंकि बताने वाले को भी अनुभव नहीं। तो आपको एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत कि मेरा अनुभव होगा। अनुभवी पुरुष जो एग्जाम्पल होता है उसी से हमको आशा होती है कि एक दिन हमको भी अनुभव होगा, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल है। जब हमारे सामने एग्जाम्पल ही नहीं है तो फिर आशा रखने से क्या फायदा? जैसे कोई 6 अंधे थे जिसको आंखें नहीं थी, वो अंधे हाथी को पकड़ते हैं, तो जिसे वे हाथ में जो आया वो पकड़ लिया और पकड़ के उसको बताया कि हाथी कैसा है, तो जिसके हाथ में पाँव आ गया तो वो कहता है हाथी थंबा जैसा है, जिसके हाथ में सूट आ गए तो बोला हाथी कैसा है, पाइप जैसा है, जिसके हाथ में उसकी पूंछ आ गई तो क्या हाथी रस्सी जैसा है, जिसके हाथ में आँख आ गया तो हाथी कौड़ा जैसा है, जिसके हाथ में कान आ गया तो हाथी सुपड़ा जैसा है, तो हाथी कैसा है? ये सभी व्यू पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने जो बताया वो सही था मगर एक व्यू पॉइंट से सर्वांग तो अनुभवी ज्ञानी सर्वांग देख के आपको बताते हैं कि हाथी ऐसा है, तो सर्व व्यू पॉइंट को जान के बताना वो सर्वांगी बोलते हैं। तो विज्ञान को भी आपको चौगर दम से यानी हर व्यू पॉइंट से समझना पड़ेगा सिद्धांत के रूप में, तो अपने आप अज्ञानता चली जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि विज्ञान को, विज्ञान के पूरी दुनिया जो है ना वो साइंस है, पूरी दुनिया क्या है साइंस, और साइंस को साइंस के रूप में समझोगे तो आप मुक्त रह सकते हो। अगर साइंस को श्रद्धा के रूप में समझोगे तो मुक्तता की अनुभूति नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। और वही टेंशन जो पहले कहते थे कि पूजा करने का टेंशन, मंदिर जाने का टेंशन, उपवास करने का टेंशन, माला गिनने का टेंशन, अभी भी वही है, विधि करने का टेंशन, आरती करने का टेंशन, तो सामायिक करने का टेंशन, पति क्यों करना है ना? जो क्रिया स्वयं होती है इसको मैं करता हूं मानता हूं वो ही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो अज्ञानता को निकलना है या क्रिया को बदलना है? तो जहां तक रॉन्ग बिलीफ नहीं जाएगी वहां तक आप आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते।